हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाते हैं गुड़ की मठरी, जो खाने में बहुत टेस्टी है और बिल्कुल खस्ता है। इसके लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप सूजी, 1 कप गुड़ और 2/3 कप देसी घी। गुड़ को हम लगभग 1 ग्लास पानी में भिगोकर मेल्ट कर लेंगे और उसे अच्छी तरह से छान लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने पानी तैयार किया है। अब 2 कप आटा लिया है, इसमें 1/2 कप सूजी डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहां मैंने 2/3 कप देसी घी डाला है। इतनी क्वांटिटी से मठरी बिल्कुल खस्ता बनेगी। आप थोड़ा सा कम डालना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से हाथ से इसे मैश कर लेंगे ताकि पूरा घी आटे में मिक्स हो जाए। अब थोड़ा थोड़ा करके गुड़ का पानी डालेंगे और एक टाइट डो तैयार करेंगे। अच्छी तरह से गूंदकर हम 10-15 मिनट के लिए इस आटे को रख देंगे ताकि सूजी इसमें फूल जाएगी। ये देखिए, लगभग 10-15 मिनट के बाद इस तरह से ये आटा तैयार है। एक बार फिर इसे अच्छी तरह से हाथ से मैश करेंगे और छोटे छोटे लोई तोड़कर इसे गोल कर लेंगे। ये मठरी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है। अब हल्का हल्का इन्हें हम बेल लेंगे। ये देखिए, थिकनेस मैंने ज्यादा रखी है। इस तरह से सभी मठरी तैयार हो जाएगी। तो इन्हें हम 1-2 घंटे के लिए थोड़ा सुखा लेंगे। फिर तेल को गरम करके उसमें ये मठरी तल लेंगे। शुरू में तेल गरम हो, लेकिन बाद में पूरी प्रोसेस में हमें फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। गुड़ की मठरी होने से इनका कलर बहुत जल्दी आता है, इसलिए हमें इन्हें स्लो फ्लेम पर ही सेकनी है ताकि अंदर से अच्छी तरह से सिक जाए। बीच बीच में हम धीरे धीरे इन्हें पलटते रहेंगे। और कुछ देर के बाद देखिए, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से सभी मठरी तैयार कर लेंगे। खस्ता मठरी तैयार है। ये खाने में बहुत टेस्टी है। एक बार आप इन्हें जरूर ट्राई करें और कैसे बनी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।